हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज ट्वेल्थ क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे हैं। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करें। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सिग्नम के साथ रहिए। आइए हम लोग 19 नंबर देखते हैं। दर्शाइए कि जी एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर है या एक्स से कम है। आइए सवाल को ध्यान से समझिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपको थोड़ा कुछ नया दिख रहा होगा। जो इलेवेंथ नहीं पढ़े उनको कुछ नया दिखता होगा। इलेवेंथ जो अगर पढ़े होते तो आपको सब कुछ समझ में आता। आइए हम बताते हैं ये क्या है। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा पता है? ये है क्या सर, पहले ये तो समझिए। आपको जो है सर वो आपके सवाल में ही लिख दिया। ये क्या है, सवाल में बोल दिया है कि ये जो है ना सर उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। महत्तम पूर्णांक को इंग्लिश में ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है जो एक्स के बराबर है या एक्स से कम है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा ना सर वो या तो एक्स के बराबर होगा या फिर एक्स से कम होगा। लेकिन होगा क्या सर, इंटीजर होगा। हमेशा क्या होगा, इंटीजर। बोल दिया है इंटीजर, महत्तम पूर्णांक होगा, दशमलव नहीं हो सकता। जैसे बोल दिया 2.323, इसका वैल्यू जरा बताइए तो क्या होगा। तो सर वह महत्तम पूर्णांक, तो उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है। जरा ध्यान से देखो सर, इसके बराबर तो कोई पूर्णांक है नहीं, क्योंकि इसके बराबर तो 2.323 है सर। पूर्णांक है क्या, कोई पूर्णांक नहीं है सर, तो क्या करोगे सर है? तो इससे तब बराबर नहीं है तो सर एक तो बात और बोला है कि एक्स से कम हो सकता है। एक्स से कम कौन कौन, इससे छोटा कौन कौन पूर्णांक है सर। इससे छोटा 2 है, इससे छोटा 1 है, इससे छोटा 0 है, इससे छोटा -1 है, -2, बढ़ते जाइए आगे, सब छोटे हैं 2 से। लेकिन क्या बोला, कहता है महत्तम पूर्णांक इस सब में भी कौन जो सबसे बड़ा है। तो इस सब में सबसे बड़ा कौन है, 2 ना है, 2 ना है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये मिटा देंगे, इसका वैल्यू कितना हो गया, 2। फिर सर चलिए 3.343 रहेगा तब सर। इससे छोटा कौन कौन पूर्णांक, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1, सब छोटे तो है सर, लेकिन इस सब में भी बड़ा कौन, 3। इसका वैल्यू कितना हो गया, 3। अच्छा सर एक बात तो समझ गए, दशमलव के इस पट्टी जो रहता है उसी को आप बैठा देते हैं। 2 है तो 2, 3 है तो 3। नहीं बाबू वो कॉन्सेप्ट नहीं अलग, भले आपको ट्रिक टेक्निक लगता है वो तो यूज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब निगेटिव नंबर आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे आप करते हैं तो कीजिए 1.325, इसका लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, 1 लिखिए। 2.78879, इसका वैल्यू लिखना है तो 2 लिखिए। 5.000001 लिखना है, इसका वैल्यू लिखना है तो 5 लिखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 6.0325, इसका वैल्यू लिखना है, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो आपको जिस तरह से जो भी दिखता है उस अनुसार अपना यूज कीजिए, ठीक। हाँ लेकिन सर, लेकिन अगर -2.321 आ गया, इसका वैल्यू लिखने के लिए कर दिया, निगेटिव ना आ गया सर, अब इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे। क्या बोला सर, फिर से इसको पढ़ो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से क्या है, कम है। तो रे बउआ -2.321, एगो बात तुमको पता होगा, -2 बड़ा कि -3 बड़ा, तो सब लोग जानता है कि -2 बड़ा, -4 बड़ा कि -5 बड़ा, -4 बड़ा, ये कम न हो गया जी, इससे ये इससे कम न हो गया। इसका मतलब सर अगर निगेटिव में हम लोग जानते हैं कि जितना हम न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा लेते हैं वो उतना छोटा हो जाता है। इसका मतलब इससे छोटा कौन कौन है, इससे छोटा आपका -3 है ना, इससे छोटा कौन है, सॉरी -2 भी है,
इससे छोटा कौन है? माइनस चार है। इससे छोटा कौन है? माइनस पांच। अच्छा ये जो हम लिखे माइनस दो छोटा, ये बात सही है कि गलत? जरा सोचिए तो, ये बात क्या है? गलत है। ये माइनस दो बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक। माइनस तीन छोटा है, माइनस चार छोटा है, माइनस पांच छोटा, ये बड़ा है, ठीक। माइनस छह छोटा है, इसका मतलब सर ये सब तो ये छोटा है सर, होगा कौन आंसर? इस सब में सबसे बड़ा कौन है? बड़ा जरा बोलो तो, माइनस तीन बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? माइनस तीन। अब कौन तो कहता है माइनस छह बड़ा है? नहीं सर, माइनस छह तो सबसे छोटा है। तो माइनस तीन क्या है? सबसे बड़ा है। माइनस तीन क्या है? सबसे बड़ा है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस तीन। लीजिए आपका टेक्निक फेल। आप जो कह रहे थे कि सर जो दशमलव के जस्ट पहले होता है उसको लिख, नहीं सर वो पॉजिटिव में लिख लीजिएगा, काम चल जाएगा, निगेटिव में काम नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? अच्छा सर और निकालिए निगेटिव वाला, और निकालते हैं माइनस वन पॉइंट टू टू थ्री टू सर, इसका लिखिए तो। तो इससे छोटा कौन कौन? इससे छोटा माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच। इसमें बड़ा सबसे बड़ा कौन है? माइनस दो। इसका वैल्यू कितना होगा? माइनस दो। फिर सर देखिए तो माइनस तीन पॉइंट चार तीन दो, इससे छोटा कौन कौन सर? माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह। तो कौन हो गया इसमें सबसे बड़ा? तो माइनस चार हो गया। इसका मतलब सर इसमें भी हम एक टेक्निक लगा देंगे, उसमें तो टेक्निक लगाए सर, दशमलव के जो पहले होगा वो उसको लिख देंगे। इसमें भी एक टेक्निक लगा देंगे। क्या सर? दशमलव के जो पहले होगा ना उसमें एक घटा देंगे। उसमें एक क्या करेंगे? घटा देंगे। इसका मतलब माइनस दो है तो उसमें एक घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? माइनस तीन। माइनस एक था तो माइनस एक में एक घटा दिया तो क्या आ गया? माइनस दो। माइनस तीन है तो उसमें एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस चार। देखिए सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो अगर सर पॉजिटिव है तो दशमलव के जस्ट पहले वाला लिख दीजिए, अगर निगेटिव है तो दशमलव के जस्ट पहले वाले डिजिट में एक क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। तो सिंपल सा ये टेक्निक आपको याद रखना है। अच्छा सर एक चीज और बच गया सर, एक चीज और। अगर तीन का सर तो क्या बोला है? उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है। इसके बराबर तीन के बराबर पूर्णांक कौन? तीन है ना, तो हो गया इसका डायरेक्ट वैल्यू तीन। चार का सर डायरेक्ट चार। पांच का सर डायरेक्ट पांच। जीरो का सर डायरेक्ट जीरो। कोई दिक्कत? पूर्णांक अगर पूर्णांक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कहीं निकालने के लिए जो है उसके बॉक्स में वही लिख दीजिए। तो प्लीज इसको नोट कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का एकदम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हमने दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज इस एग्जाम्पल को पहले नोट कर लीजिए, तो हम सवाल को कंटिन्यू करते हैं। आइए बच्चे अब चेक करना हम लोगों को क्या कंटिन्यूटी कहता है कि असंतत है सर, डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है कि सभी पूर्णांक बिंदुओं पर यह क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए सबसे पहले तो पूर्णांक बिंदु मान लेते हैं, लेट एक्स बराबर एक्स बराबर मान लेते हैं एन बिलोंग्स टू जेड। पूर्णांक के समुच्चय में से एगो पूर्णांक निकाल करके ले लिए एक्स का वैल्यू। एक्स बराबर क्या ले लिए सर? एन, जो किसको बिलोंग करता है? Z को, इंटीजर को बिलोंग करता है। तो चलिए हम लोग चेक करेंगे एट x बराबर n बिलोंग्स टू z। आइए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। LHL पहले निकालेंगे सर। LHL का डिफिनेशन क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू n माइनस n से जस्ट छोटे वैल्यू के। ये इंटीजर है, n क्या है बउआ? इंटीजर। एकदम ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा। n टेंड x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स या जी एक्स, यहाँ जी एक्स है, जी एक्स के घर पे क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सॉरी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू, एक्स किसको टेंड कर रहा है? एन को। तो चलिए एक्स के जगह पे तो एन हो जाएगा सर, घटाओ। अच्छा एन से जस्ट छोटा है रे बउआ, टू से जस्ट छोटा, क्या 1.999 क्या? इसका वैल्यू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछे तो कितना लिखोगे? वन लिखोगे। इसका मतलब सर टू से जस्ट छोटा का वैल्यू कितना आ गया? वन आ गया। इसका मतलब टू माइनस वन, तो यहां भी क्या हो जाएगा? एन माइनस वन। एन से जस्ट छोटा है तो एन माइनस, एन से जस्ट छोटा है ना जी, ये आपका वन आया कैसे? टू माइनस वन। एन से जस्ट छोटा है तो क्या आ जाएगा? एन माइनस वन।
या लिखेंगे एन माइनस वन। अब चलिए एन माइनस एन प्लस वन, एन एन क्या होगा कैंसिल, कितना आ गया सर वन, एल एच एल कितना आ गया वन आ गया, आर एच एल आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस जी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस फिर जी एक्स के जगह पे कितना सर, जी एक्स के जगह पे कितना जरा बोलो तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अच्छा टू प्लस, टू प्लस मतलब टू से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, इसका मतलब क्या सर टू दशमलव जीरो 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 वन, यही ना सर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, इसका मतलब टू प्लस का क्या हो जाएगा टू ही रह जाएगा, यानी जो है सर अंदर में वही रह जाएगा। चलिए तो एन, ये तो एन हो गया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन, ये आपका कितना आ गया सर एन माइनस एन आ गया, ये कितना जीरो सर, यहीं पे पता चल गया, यहीं पे पता चल गया, वैसे आप चाहते हैं तो कर लीजिए एफ एन कितना हो जाएगा एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन, ये भी जीरो आ जाएगा। तो आर एच एल बराबर एफ एन तो आया सर, लेकिन सर एल एच एल कितना आ गया वन, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, देखेंगे सुखी एफ जीरो एफ एन इज इक्वल टू आर एच एल बट नॉट इक्वल टू एल एच एल, एल एच एल के बराबर नहीं है, इसलिए सर इसलिए एफ एक्स जो है सर एफ एक्स क्या है समस्त सॉरी जी एक्स जी एक्स जी एन देखना है जी एक्स, इसलिए क्या लिखेंगे जी एक्स जो है सर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है असंतत, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है संतत नहीं है, क्या है सर असंतत है, क्या है असंतत है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये आपका रफ वर्क यहाँ किया गया था तो इसको देख लिया होंगे आप लोग, तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आइए सर 20 नंबर, बहुत ही आसान सवाल, एकदम लॉलीपॉप सवाल है, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव द्वारा परिभाषित प्लेन एक्स बराबर पाई पर संतत है। तो चलिए सर देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं, सबसे पहला काम सर एलएचएस सॉरी एलएचएल निकालेंगे, एट एक्स बराबर किस पर हम लोग चेक करेंगे पाई पर चेक करेंगे, तो एलएचएल का क्या होता है सर डिफिनेशन लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पे ना चेक कर रहे हैं पाई माइनस एफ एक्स, एफ एक्स लिखो बउआ लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स के जगह पे कितना एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव। तो चलिए सर यहाँ एक्स के जगह पे पाई रखिए, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस कितना फाइव, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है जीरो, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है जीरो, साइन पाई का वैल्यू रख दीजिए जीरो, तो सर पाई स्क्वायर माइनस जीरो तो जीरो तो गया प्लस फाइव, ये आपका आ गया पाई स्क्वायर प्लस फाइव, बहुत ही सिंपल है। आर एच एल निकाल दीजिए, आर एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स, चलिए सर ये आपका क्या आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव, तो ये सर पाई रखिए फिर तो साइन पाई तो जीरो हो गया, यहाँ एक्स की जगह पे पाई तो पाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा फाइव, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव, तो सर साइन पाई का वैल्यू कितना रखेंगे जीरो हो जाएगा, ये आपका पाई स्क्वायर प्लस फाइव। चलिए बहुत सिंपल है, फिर एफ पाई निकाल लीजिए सर, एफ पाई निकालते हैं सर एफ पाई तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव ना है एफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ गया पाई, यहाँ भी एक्स की जगह क्या रख दोगे पाई रख दोगे, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस क्या आ गया फाइव, साइन पाई का वैल्यू फिर रखो जीरो, ये आपका कितना आ गया सर पाई स्क्वायर प्लस फाइव, सर एफ पाई हियर 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 एफ पाई इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू क्या आ गया सर बोलो आर एच एल आ गया, तीनों सर क्या है बराबर है, इसलिए एफ एक्स क्या है एक्स बराबर पाई पर संतत है, कंटिन्यूअस है, संतत है मीन्स कंटिन्यूअस है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान से सवाल था। आइए बच्चे अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्नलिखित फलनों के संतत्य पर विचार कीजिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तीन सवाल दिए हुए। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जाकर के देखिए, वहां मैंने एक नोट लिखाया हुआ है लास्ट में, फर्स्ट लेक्चर के नोट में इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी नाम से ये मेरा लेक्चर है, सबसे पहला लेक्चर मैंने वही डाला था कंटिन्यूटी पे,
तो उसमें मैंने लास्ट में एक नोट लिखाया, उसने बोला था कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स बटे जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा जहां जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। आइए तो क्या करना पड़ेगा सर, सर ये दो फंक्शन का जोड़ है, ये दो फंक्शन का अंतर है, ये दो फंक्शन का गुणनफल है। आइए पहले हम साइन एक्स और कॉस एक्स के कंटिन्यूटी पर विचार करते हैं। चलिए सर, लेट जी एक्स बराबर साइन एक्स, तो सर एट एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए हम चेक कर लेते हैं साइन एक्स कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। LHL निकाले, लिमिट निकाल लेते हैं सर इसका डायरेक्ट, हमने लिमिट एक्सटेंड टू सी जी एक्स ये कितना आ जाएगा सर, तो लिमिट एक्सटेंड टू सी साइन एक्स, ये क्या आ गया, एक्स किसको टेंड कर रहा है सी को, ये तो हो गया सर साइन सी। एफ जी सी निकाल दो तो सर जी सी भी कितना आ जाएगा सर, साइन सी आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं सर, लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। लिमिट का वैल्यू मतलब LHL बराबर RHL है और ये फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर है, इसलिए सर देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c gx ये बराबर है सर gc के, देयरफॉर gx बराबर sin x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अ कंटिन्यूअस फंक्शन या एक क्या है संतत फलन है सर, संतत घबराइएगा नहीं हिंदी भाषी लोग समझ रहे हैं, जी एक्स और साइन एक्स क्या है एक संतत फलन है। तो चलिए अब पुनः सर पुनः यानी अगेन लेट एच एक्स बराबर हम मान लिए किसको, कॉस एक्स को, कॉस एक्स को क्या मान लिए एच एक्स, फिर इसका भी चेक कर लीजिए एट एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर, ठीक सभी रियल नंबर के लिए चेक कर लेते हैं सर। आइए लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट निकाल दीजिए सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स, एच एक्स के जगह पे कितना कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी कॉस एक्स हो जाएगा सर। अब जरा बोलो मेरे भाई एक्स किसको टेंड कर रहा है सी को, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस सी, ये तो आ गया सर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स आ गया। अब जरा बोलो अब क्या करोगे, अब सर एच सी निकाल लेंगे, एच सी निकालेंगे तो सर एच एक्स है कॉस एक्स, एच एक्स कितना है बउआ कॉस एक्स, एक्स की जगह पे कितना आ गया सी आ गया, तो जरा बोलो ये क्या हो गया कॉस सी हो गया, तो सर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स बराबर कितना एच सी। हियर हियर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स इज इक्वल टू एच सी आ गया सर, ये दोनों क्या आ गया बराबर आ गया, देयरफॉर एच एक्स बराबर कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। रे बउआ अब बोलो कंटिन्यूस फंक्शन, अब बोलो जब जी एक्स और एच एक्स कंटिन्यूस, जी एक्स और जी एक्स और एच एक्स क्या है कंटिन्यूस, यहां लिखेंगे चूंकि जी एक्स और एच एक्स दो संतत फलन है, दो कौन सा फलन है संतत फलन है, इसलिए पहला नंबर क्या है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स मतलब क्या जी एक्स प्लस एच एक्स बराबर क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी क्या है एक संतत फलन है, संतत फलन हमने नोट लिखाया हुआ है सर, आप लेक्चर नंबर वन में जा करके देखिए, अगर दो फंक्शन संतत है तो उस दोनों का योग भी संतत होगा, उस दोनों का अंतर भी संतत होगा, उस दोनों का गुणनफल भी क्या होगा संतत होगा। फिर सेकेंड नंबर देखो तो क्या है बउआ एफ एक्स बराबर जी एक्स माइनस एच एक्स है सर, ये भी क्या होगा संतत, एफ एक्स बराबर जी एक्स माइनस एच एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी क्या है एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। फिर सर तीन नंबर देखिए तो तीन नंबर क्या है एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो सर एफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू एच एक्स, जी एक्स इंटू एच एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू
कॉस एक्स भी क्या है, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 21, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चे क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है सर वो बहुत आसान है। मैंने जैसे आप 22 में साइन कोसाइन को प्रूव किया है कि कैसे वो कंटिन्यूअस है, उसी तरह से आप कोसाइन सेकंड को सेकंड को कर सकते हैं। तो वो मैं होमवर्क के लिए आपको छोड़ दिया हूँ, आप घर में बनाइए ठीक, और अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको कल बता दूंगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर 23, एफ के असंतत्य बिंदुओं को, असंतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां सर, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, किस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा सर डिसकंटिन्यूअस होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल एट एक्स बराबर जीरो, ऐसा सवाल रहता है तो हम डाउटफुल पॉइंट पर चेक करते हैं सर, डाउटफुल पॉइंट क्या है सर, जीरो है। तो एट एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पर चेक कीजिए, एल एच एल, एल एच एल क्या हो जाएगा जरा बोलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो माइनस एफ एक्स, चलो भाई जीरो से जस्ट छोटा के लिए एफ एक्स, तो जीरो से जस्ट छोटा के लिए एफ एक्स क्या है, साइन एक्स बटे एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस साइन एक्स बटे एक्स, इसका वैल्यू तो कितना होता है सर वन, लिमिट का ये फंडामेंटल लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स कितना सर वन हो गया। आइए आर एच एल, ये फॉर्मूला से आ जाता है सर, आर एच एल निकालिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, चलो भाई जीरो प्लस, जीरो से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन देखो तो क्या है, देखो तो क्या है, जीरो प्लस, जीरो से जस्ट बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वन रखो भाई, एक्स के जगह पे कितना रखोगे जीरो, जीरो प्लस वन, ये भी सर वन आ गया, लीजिए तो एल एच एल बराबर आर एच एल आ गया। एफ जीरो निकाल करके देखते हैं सर, एफ जीरो, एक्स जब जीरो के बराबर हो तो एक्स प्लस वन होता है, एक्स के जगह पे क्या गया है जीरो, जीरो प्लस वन बराबर कितना आ गया सर वन, तीनों बराबर आ गया सर, यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ जीरो बराबर एल एच एल बराबर क्या सर आर एच एल, देयरफोर एफ एक्स इज, देयरफोर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, इसका कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा, तो प्लीज इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एफ एक्स बराबर इतना है द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। तो चलिए सर क्या करोगे बउआ, डाउटफुल पॉइंट पर चेक करोगे, एट एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पर चेक करेंगे सर, एल एच एल चेक कीजिए सर कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो क्या आ जाएगा जीरो से जस्ट छोटा, जीरो से जस्ट छोटा, जीरो नहीं जीरो से जस्ट छोटा, तो सर जीरो नहीं के लिए कौन है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स, चलिए तो ये क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स हो जाएगा। चलिए सर तो ये आपका हो गया सर, एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो की ओर जा रहा है तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो गया सर, गुना साइन वन बटे जीरो इन्फिनिटी ना हो जाएगा सर, साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू होता है जीरो से गुना माइनस वन से लेकर वन तक, ऑसिलेटिंग वैल्यू माइनस वन से लेकर के वन तक, ऑसिलेटिंग वैल्यू माइनस वन, ऑसिलेटिंग वैल्यू मतलब सर माइनस वन और वन के बीच जो है सर हिलता डुलता रहेगा पेंडुलम की तरह, तो कहीं स्थिर नहीं होगा उसका वैल्यू, इसलिए माइनस वन टू वन से लेकर ऑसिलेटिंग वैल्यू, तो जीरो से किसी चीज को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है सर जीरो हो जाता है। आर एच एल, आर एच एल क्या हो जाए सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस, जीरो से जस्ट बड़ा के लिए सर तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स, फिर सर एक्सटेंड कर रहा है जीरो को तो जीरो गुना साइन इन्फिनिटी, चलिए साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है सर माइनस वही जीरो गुना ऑसिलेटिंग वैल्यू माइनस वन से वन, तो जीरो से किसी चीज को गुना करते हैं क्या आता है जीरो, एल एच एल भी जीरो आ गया, आर एच एल भी जीरो आ गया सर। आइए आप जीरो चेक करते हैं क्या हो जाएगा सर, एक्स जब जीरो के बराबर होता है एफ एक्स का वैल्यू कितना होता है जीरो ही होता है सर, यहाँ देखेंगे चूंकि एफ जीरो बराबर आ गया एल एच एल बराबर आ गया आर एच एल, देयरफोर एफ एक्स क्या है सर एक संतत फलन है, एफ एक्स क्या है एक संतत फलन है, एफ एक्स एक संतत फलन है, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए आप। आइए सर एक प्यारा सा सवाल और आज का लास्ट सवाल,
जीरो आ गया सर। चलिए x बराबर जीरो पर चेक कीजिए, एट x बराबर कितना सर जीरो, LHL लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो से जस्ट छोटा के लिए सर एफ एक्स क्या है जरा बोलो, जरा बोलो, जरा बोलो, जीरो नहीं, जीरो से जस्ट छोटा, जीरो नहीं तो सर जीरो नहीं के लिए तो यही तो है सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलो रखो एक्स टेंड कर रहा है जीरो को, साइन जीरो कितना सर जीरो और कॉस जीरो कितना वन, तो जीरो माइनस वन बराबर कितना गया माइनस वन आ गया। आइए RHL, RHL हो गया सर लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स जीरो से जस्ट बड़ा यानी जीरो नहीं तो जीरो नहीं के लिए तो यही तो है फंक्शन फिर से सर लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस साइन x माइनस कॉस x, यहां भी सर x की जगह भी जीरो रखो साइन जीरो जीरो कॉस जीरो कितना वन बराबर कितना गया माइनस वन। LHL बराबर RHL तो आ गया सर। आइए देखते हैं एफ जीरो कितना आता है सर, जब x 0 के बराबर हो तो फंक्शन का वैल्यू कितना है माइनस वन, एफ जीरो का मान कितना गया माइनस वन। यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ जीरो बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल देयरफॉर एफ एक्स क्या है सर x बराबर जीरो पर एक संतत संतत। तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए और आज के क्लास में इतना ही, आज हमने क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 25 तक डिस्कस किया, तो बहुत ही शानदार क्लास रहा आज का। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज आप पिछले वीडियो को निकाल करके देखिए, ठीक, और इंट्रोडक्शन क्लास जो कंटिन्यूटी का उसको तो जरूर कीजिए, ठीक, वहां से ही आपको समझ में आएगी, उसी क्लास में मैंने पूरा छोड़ी दिया है, इसलिए घबराइए नहीं, मैं लॉकडाउन में आपके साथ हूँ, पूरे प्रवक्ता के पूरे अपने क्षेत्र के सभी स्टूडेंट के साथ मैं साथ हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपके टच में रहूँ और आपको समझ में आए। आपको फिर भी कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर बताएं। और एक बात, अगर आपको हमारा ये टीचिंग स्टाइल, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, ठीक, कमेंट में, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर कहीं आपको कमी दिखती है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारा पर्सनल नंबर 799 व्हाट्सएप नंबर है ये 799112206 3, इस पर आप किसी भी तरह का कोई भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम आपका काफी अच्छा जाने वाला है, आप हमारे साथ बने रहें। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, स्टॉप द वायरस, वायरस को खत्म करना है, सिलेबस को खत्म, सिलेबस को नहीं रोकना, वायरस को रोकिए, सिलेबस को मत रोकिए, स्टॉप द वायरस नोट सिलेबस, ठीक। इसलिए कोरोना चला जाएगा लेकिन समय लौट करके नहीं आएगा, इसलिए समय का यूज कीजिए, लॉकडाउन का बहाना बना करके समय को बर्बाद मत कीजिए कि अभी कोचिंग तो खुला नहीं है, कोई स्कूल तो कॉलेज तो खुला नहीं है तो हम पढ़ेंगे क्यों, इसलिए वो बहाना बनाना बंद कर दीजिए और अपना पढ़ाई पर ध्यान फोकस कर दीजिए। आपका आप अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, महीना दो महीना में आपका ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, फिर से जीवन उसी पटरी पर उतर जाएगी तो आप फिर उसी तरह पढ़ पाएंगे। फिलहाल समय को बिना गवाए आप हमारे साथ बने रहें, स्टे होम स्टे लर्न स्टे विथ सिग्नम, तो सिग्नम के साथ बने रहिए। आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे इसी समय 8:30 बजे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो। थैंक यू।